साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फेल स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों यूपी ट्रिपलसी वीडियो री एग्जाम जो आपको 26 और 27 जून को कंडक्ट होने वाला है, यूपी ट्रिपलसी कराने वाली है। अब देखो साथियों, ये भर्ती 2018 में थी, उसकी जॉइनिंग वगैरह भी मिल गई थी, लेकिन बाद में भर्ती पूरी कैंसिल कर दी गई थी कोर्ट के द्वारा। अब देखो इसमें अब बहुत सारे साथी ये कहते हैं कि हम जब मॉक टेस्ट लगाते हैं इसका तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, या यूं कहें कि मार्क्स हमारे जैसे हैं उतने ही रह जा रहे हैं। जैसे मान लो कि हमें मतलब 100 क्वेश्चन तो कम से कम मिनिमम करने होंगे, 200 नंबर तो आपको लाने ही होंगे, तो 200 नंबर भी टच नहीं कर पा रहे हैं हम, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है डाउन हो रहा है दिन पे दिन। इसके लिए क्या किया जाए? तो इसके लिए सिर्फ एक ही उपाय है साथी, जब मॉक टेस्ट आप लगाते हो जिस भी पोर्शन में आपको दिक्कत लगती है। देखो जब मेरे को थोड़ी ही नहीं मालूम उसकी और मैं तुक्का लगा रहा हूँ, तुक्का लगाना इसमें घातक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 1/2 की है। आपको मालूम ही है इस चीज़ की, नेगेटिव मार्किंग 1/2 की इतनी बड़ी नेगेटिव मार्किंग है, आपको कितना भी अच्छा कर लो आपको नीचे ले जाएगी गड्ढे में। तो नेगेटिव तो आप करना मत, ये सोच लेना, अपने दिमाग से निकाल देना इस चीज़ को कि नेगेटिव आपको करके आना है, तो हमारा तुक्का लग जाएगा, अच्छा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा आपका और नीचे जाओगे गड्ढे में। तो ये बात मान लो कि तुक्का बिल्कुल भी मत लगाना किसी भी कीमत पर। बात मान लो एक आध क्वेश्चन 50-50 लग रहा है तो एक दो क्वेश्चन में आप देख सकते हो अच्छे क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जा रहे हैं, उसके बाद लगाना। चाहे मॉक टेस्ट हो, मॉक टेस्ट से ही आदत डालोगे तभी डल पाएगी फाइनल एग्जाम में। मॉक टेस्ट में आदत नहीं डालोगे तो फाइनल एग्जाम में आदत ही नहीं पड़ेगी, वैसा जहाँ करोगे वैसा ही वहाँ करोगे। ठीक है साथियों, तो आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाओ जब जिस पोर्शन में, जैसे रीजनिंग का पोर्शन लगा रहे हो आप, जैसे वॉच या कैलेंडर में आपको समस्या है तो वही पोर्शन देखो। सारा पोर्शन देखने का टाइम भी नहीं है और थोड़ी पढ़ पाओगे आप, उसको ही देखो, उसको भी बस एनालिसिस करो, उसकी थ्योरी पढ़ो, उसके बाद लगाओ क्वेश्चन, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और मार्क्स आपके जरूर बढ़ेंगे। और अगर वीडियो, जैसे वीडियो का मॉक टेस्ट लगाते हो, किसी का मॉक टेस्ट लगाते हो आप, हमेशा ध्यान रखना मॉक टेस्ट लगाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसका एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एक लगाओ, एक मॉक टेस्ट लगाओ, दो जरूर नहीं, दो लगाओ एक दिन में, एक लगाओ उसका एनालिसिस करो, तब मालूम पड़ेगा कि आप कितने पानी में हो, क्या कर रहे हो और कहाँ कौन से पोर्शन में आपको गलती लग रही है, कौन से पोर्शन में आपके प्रश्न गलत हो रहे हैं। उसी पोर्शन को आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दो, इतना ही समय है आपके पास में और कुछ नहीं है। और मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर मॉक टेस्ट हो, उससे कोई लेना देना आपका नहीं होना चाहिए। अब देखो कंपटीशन लेवल की बात करें, कंपटीशन लेवल बिल्कुल भी नहीं है मेरे हिसाब से। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो कंपटीशन लेवल नहीं है इसमें साथियों। आपको अगर पैट के थ्रू देखने को मिलता तो कंपटीशन देखने को मिलता, हाँ कंपटीशन है, किससे है मैं अभी बात करूँगा उसके बारे में भी। कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ आपका है तुम्हारा लेखपाल वालों से। लेखपाल का डीबी हुआ नहीं है अभी, अगर लेखपाल का सिलेक्शन हो जाता तो इसमें कंपटीशन नहीं रहता लेखपाल वाले साथियों से, क्योंकि लेखपाल में जो कॉमन है, बहुत सारे साथी वीडियो में भी कॉमन है, तो इनसे कंपटीशन आपका रह रहा है, बाद बाकी कंपटीशन नहीं है आपका। 2018 की भर्ती है, पिछली बार 14 लाख फॉर्म भरे गए थे, उसमें से बहुत सारे लोगों ने पेपर नहीं दिया था। इस बार भी मान लो कि मुश्किल से 5-6 लाख 7 लाख फॉर्म मतलब लोग एग्जाम देंगे, और बहुत सारे लोगों की नौकरी लग चुकी है, बहुत सारे लोग, बहुत अलग अलग दिक्कतें हैं लोगों की, तो नौकरी से कभी उन्होंने पढ़ना ही नहीं है तो कंपटीशन से ही बाहर हैं, तो उनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और साथियों कट ऑफ कितनी जा सकती है, कट ऑफ पिछली बार बहुत धांधली होने के बावजूद 211 गई थी जनरल की, अब उससे ज़्यादा तो किसी कीमत पर नहीं जाएगी। अब मान लो 211 बहुत होते हैं, एक 1/2 की नेगेटिव मार्किंग है, 211 ले आओगे आप, 210-211, तो आपका फाइनल सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखो। और दूसरा ट्रिपल सी के बारे में परेशान रहते हैं लोग, ट्रिपल सी नहीं है, अगर आपके पास तुम्हारा कुछ भी कोर्स है कंप्यूटर का तो आप सिलेक्शन पा जाओगे। ठीक है, अब ज़्यादा झंझट में मत पड़ो क्योंकि समय है नहीं आपके पास में, ट्रिपल सी हराए रहते हो, ट्रिपल सी का कोई मतलब नहीं है। 2018 में ऑर्डर आया था उसी टाइम पे ही, 2016 का, तो ये कह दिया गया कि जो समकक्ष है, एक अगर 6 महीने का किसी के पास कंप्यूटर पड़ा है तो वो एलिजिबल माना जाएगा, बस इतना मान लो आप। ठीक है, और इसमें मेरा खुद का ये क्या हुआ था, डीबी हुआ था, इस चक्कर में बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इस चक्कर में मत पढ़ो, मैं बीटेक हूँ तो मेरा डीबी हुआ था, तो इसके चक्कर में मत पढ़ना कि ट्रिपल सी नहीं है तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप बात मान लो और ट्रिपल सी नहीं है फिर भी आप तैयारी करो पुरजोर तरीके से, क्योंकि आने वाली भर्तियों में भी तैयारी करनी है ना आपको। ठीक है, तो तैयारी करो और कट ऑफ उतनी ही मान लो कि जितनी पिछली गई थी, उससे टारगेट लेके आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, वीडियो री एग्जाम में ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, बस लेखपाल वालों से कंपटीशन आपका है, बिल्कुल मान के चलूंगा मैं। ठीक है, तो यही थी सारी चीज़ मैंने आपको बतानी थी, बता दी। मॉक टेस्ट में कॉन्फिडेंस या मार्क्स अभी बढ़ेंगे जब आप किसी पोर्शन में कमजोर हो, उस पोर्शन की आप तैयारी करो, थोड़ी पढ़ो, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद।